देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह और दहेज सामाजिक बुराई है, जिसे हमें खत्म करने की जरूरत है। इसलिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 21,000 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पीलीभीत जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 525 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसका पुण्य आप सबके साथ ही मुख्यमंत्री होने के नाते हमें भी प्राप्त होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद पीलीभीत के लिए लगभग 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर बेहद खुश हूँ। साथ ही कहा कि जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 525 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जो कि गर्व की बात है। जहाँ के किसानों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से यहाँ की धरती से सोना उगलने का कार्य किया है, आज उनके उस पुरुषार्थ को नमन करने का, उनके प्रति हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने का एक अवसर आज यहाँ पर मुझे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।